नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पर। अनिवार्य संस्कृत कक्षा 8 यानी ये प्रज्ञा की सप्तमः पाठ आदर्श परिवार। आदर्श परिवार होता है कौन सा होता है? जिसमें छोटा परिवार हो, सुखी परिवार हो, कोई बीमारी ना हो, सब अच्छे से हो, हर तरह की सुविधा हो। तो ये पाठ है, देखिए चित्र में दिखा रहा है। आदर्श परिवार में 4 लोग दिख रहे हैं, तो अब इसका हम अनुवाद और प्रश्नोत्तरी दोनों देखेंगे। एकस्मिन् ग्रामे जगत पालो नाम एका सज्जनो वसति। एकस्मिन् एक गांव में जगत पाल नाम का एक सज्जन व्यक्ति था। तस्य पत्नी कला अस्ति, उसकी पत्नी का नाम था कला, उसकी पत्नी कला थी। जगत पाला सप्त त्रिदश वर्षीय कला द्वात्रिंद्रवर्षीय चा स्था। उनके जगतपाल 37 वर्ष का और कला 32 वर्ष की। देखिए इसमें लिखा है जगतपाला सप्त त्रिदश वर्षीय यानी सप्त यानी 37 वर्ष के, कला द्वात्रिदश वर्षीय यानी 32 वर्ष की हैं। तौ दंपति सुखेन निवसा, दोनों पति पत्नी, दंपति होता है पति पत्नी, सुख से रहते हैं। तयो दो संतति स्तः, उनके दो संतानें हैं, एक स्तन्या एक च तन्या, एक पुत्र और एक पुत्री। उनके पास जगतपाल का हृदय मतलब बहुत ही, दो बच्चे हैं उनके, एक बेटा एक बेटी। तनस्य नाम विवेक, तन्याश नाम प्रतिभा अस्ति, बेटे का नाम विवेक है और पुत्री का नाम उनकी प्रतिभा है। विवेक एक एकादश वर्षीय, प्रतिभा सप्त वर्षीय। विवेक एकादश वर्षीय 11 वर्ष का, प्रतिभा सप्त वर्ष 7 वर्ष की है। विवेक सप्तम कक्षायाम पठती, विवेक सातवीं कक्षा में पढ़ते हैं, प्रतिभा तृतीय कक्षायाम च पढ़ती, वो तीसरी कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, अब आगे इसका देखते हैं। आम निम्ब मधु कादि वृक्षाणाम छायासु स्थितिम जगतपालस्य गृहम अत्यंतम रमणीयम वर्तते। देखिए आम और निम्ब और महुआ मधु कादि वृक्षाणाम, तीन वृक्ष उनके घर के पास लगे हैं। छायासु स्थित है जगतपालस्य गृहम, और जगतपाल के घर के पास अत्यंत रमणीय बहुत सुंदर लगता है। आम नीम और महुआ आदि वृक्षों की छाया में जगतपाल का घर अत्यंत सुंदर है। अब इसके बाद जगतपाला एक उद्योगी कुशला कृषक, एक बहुत ही मेहनती किसान है ये। सा सर्वदा कृषि कर्मणि संलग्न स्वकर्तव्यम पालती, वह बहुत ही मन लगा के संलग्न अपने कर्तव्य के प्रति काम कृषि काम का काम करते हैं। सा परिश्रम कृत्वा, मतलब ये कि वह हमेशा खेती के कार्य में लगा हुआ अपने कर्तव्य का पालन करता है। स्व परिश्रम कृत्वा स्वक्षेत्रे, वह अपने परिश्रम अपने क्षेत्र में पर्याप्तम अन्न, बहुत सारा पर्याप्त अन्न शाक सब्जी और फल उत्पादित करते हैं। सब मतलब उनके घर में सब कुछ मिल जाता है, पर्याप्त अन्न शाक अपने, हम लोग अगर खुद खेती करें तो बहुत सारी चीज़ें हमको ताजी भी मिलेंगी और अच्छी भी हो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए। तस्ग्रे एक का श्वेत वर्ण धेनु वर्तते, उनके घर में एक श्वेत वर्ण की धेनु यानी गाय भी है। सह बहु दुग्धम ददाती, बहुत सारा दूध देती है, हमें गाय को पालना चाहिए। विवेका प्रतिभा चा स्वास्थ्य प्रथम पुष्टिम चा भोजनम कुरुता, विवेक और प्रतिभा स्वास्थ्य प्रदक पुष्टिवर्धक भोजन करते हैं। तयो साकस्य फलस्य चाधिक्यम वर्तते, उन वो दोनों साग सब्जी और फल का खाते हैं। तौ यथेक्षम पया पिबत, और उसके हिसाब से तौ क्या करते हैं ये, तौ दोनों दूध भी पीते हैं। स्वच्छानी वस्त्राणी परिधाय, स्वच्छानी वस्त्राणी परिधाय, तौ मात्रा पितरा चा प्रवर्ण्य पठानी स्वाविद्यालयम प्रति गच्छतः। देखिए बहुत बढ़िया बात है, स्वच्छ होकर के स्वच्छ वस्त्रों को पहन करके दोनों तौ दोनों माता पिता को प्रणाम करके पठनाय पढ़ने के लिए स्वविद्यालयम प्रति दोनों अपने विद्यालय प्रतिदिन जाते हैं।
कला एक स्वस्थ आदर्श भूता च करणी अस्ति। कला एक स्वस्थ आदर्श नारी है, सा सदा स्व कार्याणि संपादयति पत्युः संतानयोः। वह सदा, देखिए बहुत अच्छी चीज़ें घर गृहस्थी की इसमें बताई गई हैं, और कहते हैं ना कि जहाँ घर में स्त्री बहुत अच्छे से करती है तो वहाँ का बहुत ही अच्छा माहौल होता है। तो कला एक स्वस्थ व आदर्श करनी, वह सदा अपने कार्यों को करती है, तो सदा स्व कार्य में संपादयती। अब पत्यु संतान ही, पति यानी पति और संतान की स्वास्थ्य विषय सावधाना चाह उनके स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहती है। प्रति जगत पालो अपि स्वपत्नीम कला बहुमन्यते। पति हैं जगतपाल, अपनी पत्नी को बहुत मानते हैं यानी बहुत सम्मान करते हैं। अनेन प्रकारेण परस्परम स्नेह स्वाहार्थ वृद्धा अयम लघु परिवार एक आदर्श परिवार अस्ति। इससे क्या हुआ कि देखिए फिर से देखते हैं, अपनी पत्नी को अनेन प्रकार बहुत प्रकार से परस्पर आपस में अनेन स्नेह सौहार्द बद अयम लघु परिवार, आपस में मिलकर के जो छोटा परिवार होता है वो आदर्श परिवार कहता है, जहाँ पे प्यार हो, सम्मान हो और जो सब मिलकर के रहते हों। जो स्वस्थ, मैंने पहले ही बताया कि जो सुखी परिवार होता है उसकी घर में हर तरह की व्यवस्था होती है। अब इसके बाद लघु परिवार एव सुखी परिवार, लघु परिवार हमेशा सुखी परिवार है क्योंकि ज़रूरतें हो जाती पूरी। आहारस्य वस्त्रस्य गृहस्य व्यवस्था लघुपारे समुचित रूपेण भवति। देखिए ये जो बात बोली इन्होंने, आहार भोजन वस्त्र घर, कहते रोटी कपड़ा और मकान, व्यवस्था लघु परिवार के लिए समुचित रूप, यहाँ पे इन पे हर चीज़ प्राप्त है ने। लघु परिवारेण समाजस्य राष्ट्रस्य कल्याणम भवति। जो छोटे परिवार से क्या होता है, हमें छोटा परिवार रखना चाहिए जिसकी हम अच्छे से पालन पोषण कर सकें, और बड़ा परिवार तो उसकी जब ज़रूरतें पूरी नहीं करेंगे तो कोई बीमार हुआ, किसी के पास कपड़े नहीं होंगे, तो छोटा परिवार सुखी परिवार कहा जाता है। इसके पश्चात हम इसका वो देख लेते हैं अभ्यास। एक पद में उत्तर देना है, बहुत जल्दी लूँगी क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो। जगत पालस्य परिवार कीदृशः आदर्श परिवार है। जगतपाला कीदृशः कृषका आसी उद्योगी, कला कृषक उद्योगी है, कला कीदृशी गृहिणी अस्ति स्वस्थ आदर्श, ठीक है। लघु परिवार कीदृश परिवार अस्ति सुखी परिवार। तो ये हो गया, अब इसमें से विभक्ति और वचन बताने हैं, ठीक है। तो इसमें से सप्तमी है, इसमें ये आज्ञा है, ये तृतीया है, तो इसमें ये सब है जो लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, और सब उसके सामने मैंने लिख दिया है कि कौन कौन क्या क्या है। तो इसको मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। देखिए तन्या क्या है, लड़की है, स्त्रीलिंग है, जगतपाल से पुल्लिंग है, कृष्णा भी पुल्लिंग है, आज्ञा स्त्रीलिंग, क्या आज्ञा मतलब बोलने से ही समझ में आता है कि ये स्त्रीलिंग है। तो हमें बच्चों को बोल करके भी इस चीज़ को समझाना है कौन सा क्या है। अब इसमें विभक्ति और ये वचन में एक वचन एक वचन एक वचन सब में लास्ट में केवल एक बहुवचन है, ये स्थानेषु, ये बहुवचन का है। तो विभक्ति भी ये सप्तमी है, आज्ञा तृतीय विभक्ति, कृषकः प्रथमा है, जगतपाल षष्ठी विभक्ति है, ठीक है। निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद करना, चाधिक्यम चाधन आधिक्यम, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लघु परिवारणे लघु परिवारेण धन एव, तो ये दो ये भी हो गए। इसके बाद मैं थोड़ा इसको जल्दी कर रही हूँ ताकि लिखा हुआ है तो आप इसको ध्यान से समझ भी लेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, तो इसमें तस्य पत्नी कलास्ति, विवेक एकादश वर्षीय अस्ति, और इसमें तयो द्वे संतति स्थिति, उनके दो बच्चे थे ना, तस्य गृह एका श्वेतवर्ण, श्वेतवर्ण की क्या थी, धेनु थी यानी गाय। अब देखिए इसमें अनुवाद किया है मैंने, बहुत इसी में लिख दिया है। तो लघु परिवार एक आदर्श परिवार होता है, तो यह एक आयम, यह लघु परिवार एक आदर्श परिवार है, इसको मैंने लिखा है, ठीक है। विवेक का प्रतिभा चा कीदृशं भोजनम कुरुता, विवेक प्रतिभा किस तरह का भोजन करते थे, कैसा भोजन करते थे। आहारस्य वस्त्रस्य गृहस्य च व्यवस्था समुचित रूपेण भवति, आहार यानी भोजन वस्त्र और गृह की व्यवस्था समुचित रूप से होती है।
व्यवस्था समुचित रूप से होती है। लघु परिवारेण समाजस्य राष्ट्रस्य कल्याणं भवति, लघु परिवार से समाज और राष्ट्र का कल्याण होता है। तो मैंने इसको लिख दिए हैं और बोल रही हूँ तो उससे भी समझ आ जाएगा। आगे इसका है, देखिए अनुवाद करना है संस्कृत में। उसकी पत्नी का नाम कला है, तस्य पत्नी नाम कला अस्ति, नामा दोनों दंपति सुख से निवास करे, तौ दंपति सुखीन निवासतः। विवेक 11 वर्ष का है और प्रतिभा 7 वर्ष की है। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिखा विवेक 11 वर्षीय, 7 वर्षीय 4 है ना प्रतिभा। जगतपाल एक उद्योगी कुशल सिरका, जगतपाला एक उद्योगी एकह उद्योगी जगतपाला एकह उद्योगी कुशलस्य कृषक आसी अस्ति। उसके घर में एक सफ़ेद रंग की गाय, तस्य गृहे एक श्वेतवर्णा धेनु वर्तते। तो ये संपूर्ण इसका अभ्यास कार्य हो चुका है और अगले अभ्यास कार्य के साथ फिर मिलते हैं। और आपको अगर जानकारी अच्छी लगती है, यदि कोई समस्या है, कोई कमेंट करना चाहते तो भी बता दीजिए, मैं सुधार कर लूँगी। धन्यवाद, नमस्कार। आपका लाइक सब्सक्राइब हमें प्रोत्साहन प्रेरणा स्रोत होता है। धन्यवाद।